वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेंगे, डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन। इसका लॉन्ग फॉर्म देखिए क्या है, ये एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? One means unimolecule reaction, okay? हमने इससे पहले SN2 रिएक्शन देखा है, आप वो वीडियोज देखिए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, आपको मिल जाएगा वो SN2 क्या है, हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिया है। SN1 रिएक्शन क्या है, इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। व्हाट इज SN1 रिएक्शन, डिफिनेशन क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। इसकी डिफिनेशन क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, ओके। अब ये क्या है, रेट किसे कहते हैं वो समझेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू ये स्मॉल के इज अ रेट कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर लिखूंगे आप रिएक्टेंट का आर, एक पर डिपेंड होगा बस, दैट्स ऑल। हम SN1 समझने के लिए एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हम लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, इसे कहते हैं ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस मीनिंग क्या है, वाटर से बॉन्ड को ब्रेक करना, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो हम एग्जांपल लेंगे, देखिए ये हमने लिया है CH3, ये CH3 और हमने लिया है ये BR। हमको पता है ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, और याद रखिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही सिर्फ SN1 रिएक्शन बताते हैं। हम जानते हैं तीन तरह के अल्काइल हैलाइड्स हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल, राइट, तीन है। तीन में से जो प्राइमरी सेकेंडरी है ये SN2 बताते हैं और ये SN1 बताता है। क्यों, हमने रीज़न देखा है यहाँ पर और एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके दो मेजर रीजन्स हैं। पहला रीजन तो ये है कि ये जो है ग्रुप्स जो इसको अटैच्ड हैं ये बल्की ग्रुप्स हैं, और हमेशा याद रखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये हमेशा बैक साइड अटैक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और कभी कभी बैक साइड अटैक ना होकर, जैसे कि इस केस में अटैक नहीं हो रहा है क्योंकि ये बल्की ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं करता है, वो वहीं रुकता है, ये इसके निकलने की वेट करता है ये BR को या लिविंग ग्रुप को। देखिए हम इसको समझते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो H2O, या हम इसको बेस भी दे सकते हैं ये सा KOH। जनरली हम K+ नहीं बनाते हैं, हम ऐसा बनाते, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा। देखिए इसके आप रिएक्शन करोगे तो होगा क्या, देखिए हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखिए OH आया, एक ऐसा मिलेगा और दूसरा जो है ऐसा मिलेगा, ये देख लीजिए, ये 50% मिलेगा और ये 50% मिलेगा, यानी दोनों मिक्सचर मिलेगा हमको, ओके, राइट। इसमें हमको दो पॉइंट समझना है, एक ये पॉइंट कि SN1 रिएक्शन जो है इसमें मिक्स के मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसे कहते हैं कार्बोकेटायन, वो हम समझेंगे, इसका मैकेनिज्म लेंगे। इसका मैकेनिज्म देखिए बहुत सिंपल है, समझने के लिए बहुत आसान है। SN1 में क्या होता है कि तीन स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, हम वो देखेंगे। नंबर वन स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या है ये आपको बेसिक आइडिया आना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप वीडियोस देखिए चैनल पर, हमारे मिल जाएंगे।
क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन, देखिए हम लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं CH3, ये इसको हम ऊपर ठीक से बनाते हैं, मैकेनिज्म यहाँ ठीक से लिखते हैं समझने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म कितने स्टेप्स है इसमें, थ्री स्टेप्स है देखिए, और कभी कभी टू स्टेप्स भी होते हैं हम देखेंगे, डिपेंड अपॉन आप रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये आपने यूज़ किया है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, स्टेप वन है, स्टेप वन क्या है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेप वन जो है वह है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक, इसमें क्या होता है ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये लिविंग ग्रुप है, छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, कार्बन से टूटेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, वीक होने के बाद वो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो हम इसको बनाते हैं, देखिए तो ये बॉन्ड वीक होगा, ओके इस तरह, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इस पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, अभी अभी ये बॉन्डेड है इसलिए कम छोटे छोटे चार्ज है, ये चार्ज कब हो जाएंगे कंप्लीट जब उससे Br टूट जाएगा, तो देखिए इससे Br टूट गया और आपको क्या मिला, ये मिला देखिए, तो ये है कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन बनता है SN1 रिएक्शन में, ये हो गया स्टेप वन। स्टेप टू क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, अगर हम यहाँ पर H2O लेते हैं वाटर तो इसके तीन स्टेप्स हो जाएंगे, अगर दो लेते हैं, अगर OH- लेते हैं दो स्टेप में होगा, तो हम ये लेते हैं OH-, ये जो कार्बोकेटन बना, ये जो हमारे पास कार्बोकेटन बना है इस पर OH- अगर आप अटैक करवाओगे, या H2O भी ले सकते हैं हम, OH- अटैक करवाओगे तो पहले क्या होगा, पहले बॉन्ड बनेगा इस तरह डॉटेड, देखिए ये देखिए OH पे नेगेटिव चार्ज था, अब वो चार्ज छोटा हो गया, कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज था वो चार्ज भी छोटा हो गया, ये जो है जिसमें कार्बन पर डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है उसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, हाँ ये भी ट्रांजिशन। अब क्या होगा, अब बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है इस तरह, ओके राइट। ये कार्बोकेटायन जो है, ये कार्बोकेटायन अगर आप इसको ऐसा समझते हैं तो OH- कैसा आएगा, ऊपर से आएगा, अगर आप उसको फैन की तरह समझ रहे हैं, फैन की तरह इस तरह, तो OH- ऊपर से आएगा 50% और OH- 50% नीचे से आएगा, तो हमने जो देखा है 50-50% बनेगा, तो हम इसको ऐसा बना लिया हमने हमको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कायरल कंपाउंड नहीं है, यस ये बन गया कंपाउंड। अब देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल वन है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, सबसे ज़्यादा हमको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की होती है, ये इंटरमीडिएट बना थर्ड वन, ये इंटरमीडिएट पर अटैक किया OH- है, ये फोर्थ वन क्या बना और इंटरमीडिएट बना, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो ये TS2 और ये हो गया TS1 और फाइनल में आपको प्रोडक्ट मिला। अगर इसके हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल है, देखिए ये एनर्जी है इस पर, इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर क्या है हमारी रिएक्शन जा रही है, ठीक, देखिए ये जो था पहला पॉइंट, ये रिएक्टेंट था, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट वन हम लिख रहे हैं वन, ये वन आ गया, उसके बाद में ये जो है ये इससे एनर्जी अब्जॉर्ब किया और ये चला गया हाई एनर्जी पर, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट वन, ये आप यह भी बना सकते हैं तो बना लीजिए, देखिए बॉन्ड टूट रहा है इससे Br, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है, जैसे ये बॉन्ड टूट गया ये कार्बोकेटायन बना और इसका थर्ड नंबर है तो इसकी एनर्जी कम हो गई इससे, ठीक है, ये इधर यहाँ पर समझिए कि कार्बोकेटायन आ गया, फिर कार्बोकेटायन से बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड बन रहा है इससे फोर्थ पॉइंट, तो और TS1 आ रही है तो बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी में बढ़ रहा है, ये हो गया TS2, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो आपको मिल गया प्रोडक्ट,
ये आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट, हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट, देखिए। तो अगर ये एनर्जी अगर बनाओगे तो ये प्रोडक्ट क्या है आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो आप लिख सकते हैं इस तरह CH3 बार, और ये यहाँ पे रिएक्टेंट जो आएगा वो आएगा CH3 3 बार और BR टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसमें दो TS है देखिए, और यहाँ पे है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर CH3 CH3 CH3। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है SN1 रिएक्शन का। ये जो एनर्जी गैप है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको बोलेंगे EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक्टिवेशन एनर्जी, वो डिफरेंस होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द रिएक्टेंट्स एनर्जी। ये रिएक्टेंट की जो एनर्जी है यहाँ पर है, ये जो रिएक्टेंट है ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी एनर्जी लेवल ये है, और प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल क्या आएंगी, ये यहाँ पे आएंगी। और हम जानते हैं जब भी प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से तो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन याद रखिए SN1 एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। एंडोथर्मिक किसे कहते हैं, जब ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा रहती है, यानी कि अगर ऐसा आता है, ये देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, अगर ऐसा आया यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, तो ये अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और अगर जब एनर्जी रिलीज हो रही है यानी रिएक्टेंट की एनर्जी कम आ गई है प्रोडक्ट की एनर्जी से, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ गई है रिएक्टेंट की एनर्जी से, इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन है। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे SN1 के बारे में, ओके। कुछ आपको पॉइंट्स भी याद रखना है कि SN1 की जो रिएक्टिविटी है, SN1 रिएक्टिविटी याद रखिए आप, SN1 रिएक्टिविटी देखिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में हमने देखा था, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स है, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें होती है, उससे कम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में, उससे कम इसमें, और आप लोगे मिथाइल हैलाइड तो इसमें सबसे कम, तो इसमें और इसमें और इसमें, सॉरी इसमें, ठीक है, ये दोनों में तो SN1 होती नहीं है, इन दोनों में होता है SN2 बहुत फास्ट और इसमें SN1 वेरी फास्ट, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में दोनों भी होते हैं SN2 और SN1, लेकिन इसमें बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इफ़ कायरल कार्बन इज देयर इन SN1 में, अगर कायरल कार्बन है, अगर कायरल कार्बन है तो क्या होगा, SN1 रिएक्शन में कायरल कार्बन है तो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, याद रखिए रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। हम देखेंगे SN1 और SN2 में क्या क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ओके, थैंक यू। तो SN1 के बारे में था ये, आप इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है हमको पोस्ट कीजिए और हम उसका आपको आंसर देंगे, थैंक यू।